अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम बनाएंगे मटन करी जो बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है और एक बार के आप हमेशा बार बार बना के खाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ मैंने 2 किलो मटन लिया है और चाप ली है और थोड़े से नली भी ली है मैंने इसमें, और अच्छे से उसको साफ़ करके पानी सोख लिया है। मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून जितना घी लिया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप ऑयल लेना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन घी में गोश्त बहुत ही टेस्टी बनता है। 2 तेज़पत्ता, 1 स्टार, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का पत्ता डालेंगे। आप अपने हिसाब से कौन से भी खड़े मसाले डाल सकते हैं। मसाले को घी में हल्का हल्का थोड़ा भून लेंगे। अभी हम घी में हमारा गोश्त सारा डाल देंगे और अच्छे से उसको भी भून लेंगे। गोश्त को 4-5 मिनट तक अच्छे से मिलाते रहेंगे ताकि घी में अच्छे से हमारा गोश्त मिल जाए। देखिए हमारा गोश्त अच्छे से भून चुका है। अभी हम गैस को स्लो कर देंगे और बर्तन को बंद करके 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। अभी हम मसाले रेडी करेंगे। मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 6 से 7 कश्मीरी लाल मिर्ची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 टीस्पून जीरा, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 5-6 लहसुन की कली और 4 से 5 लौंग लिया है। ये सारा मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए हमने सारे मसाले को अच्छे से पीस लिया है और एक पेस्ट बना लिया है। अभी ये सारे मसाले को हम गोश्त में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को भूनने के टाइम पे हम गैस को मीडियम कर देंगे। मसाले को भी 6-7 मिनट तक अच्छे से गोश्त में भूनते रहेंगे। ये देखिए हमने सारे मसाले को तकरीबन 5-6 मिनट तक अच्छे से भुना है। 1 टीस्पून जायफल पाउडर डालेंगे। जायफल पाउडर डालने से गोश्त जल्दी पक जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। उसकी जगह पे आप कच्चा पपीता का पेस्ट करके भी डाल सकते हैं, उससे भी गोश्त जल्दी गल जाता है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डालिएगा। अच्छे से नमक को भी और जायफल पाउडर को भी मिक्स कर लेंगे। मैंने 3 बड़े प्याज पहले ही ऑयल में फ्राई करके रखे थे, उसको अच्छे से मैश करके गोश्त में डाल देंगे। फ्राई प्याज को भी अच्छे से गोश्त में मिक्स कर लेंगे। अभी हमने जिस मिक्सी में मसाला पीसा था उसी में हम 1.5 ग्लास जितना पानी डालेंगे और उसको हम गोश्त में मिला लेंगे। अभी हम गैस को मीडियम करके गोश्त को 30-40 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे और गोश्त को बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। तकरीबन 40 मिनट हो गए हमने गोश्त को पकाते हुए और पानी भी बहुत ज़्यादा सोख लिया है। अभी हम चेक करेंगे कि हमारा गोश्त पका है कि नहीं। ये देखिए हमारा गोश्त बहुत ही अच्छे से पक गया है, कितना सॉफ्ट हो गया। अभी हमने गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है और हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे, थोड़े से फुदीने की पत्तियां डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए हमारा गोश्त कितना अच्छा बढ़िया बना है और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है और कितना अच्छा कलर आया है। तो चलिए गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये नान, पराठा, रोटी किसी के भी साथ आप खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है ये, और एक बार ज़रूर आप बनाइएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है।
तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।